नमस्कार, आप सभी को मैं मोना शर्मा गुप्ता आज के कार्यक्रम में अनेक अनेक स्वागत करती हूँ। आज फिर आपके लिए मैं अकबर बीरबल की एक मजेदार कहानी लेकर आई हूँ। बीरबल हाजिर जवाब थे। किसी भी स्थिति में कैसा जवाब देना चाहिए वह खूब अच्छे से जानते थे। उन्हें उत्तर की खोज के लिए ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता था। उनकी चुस्त बुद्धि बखूबी से हर समस्या का हल निकाल लेती थी। आइए आज सुनते हैं एक और रोचक किस्सा जिसका शीर्षक है छोटा बांस बड़ा बांस। एक दिन अकबर व बीरबल बाग में सैर कर रहे थे। बीरबल लतीफे सुना रहे थे और अकबर उनका मजा ले रहे थे। तभी अकबर को नीचे घास पर पड़ा बांस का एक टुकड़ा दिखाई दिया। उन्हें बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बीरबल को बांस का टुकड़ा दिखाते हुए वह बोले, क्या तुम इस बांस के टुकड़े को बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल लतीफा सुनाते सुनाते रुक गया और अकबर की आंखों में झांका। अकबर कुटिलता से मुस्कुराए और बीरबल समझ गए कि बादशाह सलामत उनसे मजाक करने के मूड में है। अब जैसा बेसिर पैर का सवाल था तो जवाब भी कुछ वैसा ही होना चाहिए था। बीरबल ने इधर उधर देखा। एक माली हाथ में लंबा बांस लेकर जा रहा था। उसके पास जाकर बीरबल ने वह बांस अपने दाएं हाथ में ले लिया और बादशाह का दिया छोटा बांस का टुकड़ा बाएं हाथ में ले लिया। बीरबल बोला, हुजूर अब देखें इस टुकड़े को, हो गया ना बिना काटे छोटा। बड़े बांस के सामने वह टुकड़ा छोटा तो दिखना ही था। निरुत्तर बादशाह अकबर मुस्कुराकर बीरबल की चतुराई को देखते रहे। तो कैसी लगी ये कहानी? बादशाह अकबर को बीरबल की काबिलता पर पूरा भरोसा था। वह उनकी चतुरता पर गर्व करते थे। बीरबल की बातें सुनकर उनकी छाती फूल जाती थी और इन दोनों की कहानियां सुनकर हम खुशी से फूल जाते हैं। ये हमें सीख देते हैं, प्रेरणा देते हैं, हमें हमारे अतीत के पन्नों से जोड़ने की चेष्टा करते हैं। तो हर सप्ताह हमारे साथ जुड़े रहें। आज के लिए बस इतना ही। मोना शर्मा गुप्ता का नमस्कार।